Thank you.
इन्द्रियं दृष्ट्वा ज्ञानाञ्जनि शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवश्री नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशकृपाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसी दलकै प्रियाय केशवस्तच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात वृंदा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाशक्ति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नवद्वीप धाम के महिमा। आज हम लोग सुनेंगे नवद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम ऋतु द्वीप है। क्या नाम है? ऋतु द्वीप। ऋतु हम कहते ना छह ऋतु है, वर्षा ग्रीष्म शरद हेमंत शीत बसंत, जैसे छह ऋतु है तो उसका नाम है ऋतु द्वीप। ऋतु मतलब होता है प्रकृति, ऋतु मतलब होता है ये प्रकृति का ऋतु कह जाता है। वर्षा के बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद शरद हेमंत शीत बसंत, एक एक बाद में दूसरे ऋतु आती है, इसलिए वो ऋतु मतलब होता है प्रकृति। कहते हैं वो प्रकृति वो स्थान क्या है, बोले श्री राधा कुंड है। इसलिए मूल प्रकृति कौन है? भगवान की, बोले दादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वर्यसी। मूल प्रकृति कौन है? भगवान कृष्ण की, बोले श्री राधा रानी। और राधा रानी से ये जितने प्रकृति है और जितने नेचर है, जितने शक्ति कहाँ से प्रकट होती है? बोले श्री राधा रानी से। इसलिए बोले उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आमनाए वाले, ये जितने सीता गीता जितने लक्ष्मी गोपी ये सब कहाँ से आती हैं? बोले श्री राधा रानी से आती। राधा रानी का ये प्रकाश सबके साथ है, इसलिए उस स्थान का नाम है कोबाला। कोबाला मतलब क्या? बोले को मतलब कौन, बाला बाला मतलब वो लड़की है कौन है, वो बाला मतलब बालिका, वो बालिका कौन है, इसलिए उस स्थान का नाम को बाला। बोले ऐसे नाम क्यों पड़ा, कारण क्या? बोले राधा रानी जब प्रकट होती है, प्रकट होते ही राधा रानी के शरीर में इतने प्रकाश इतने ज्योति है, राधा रानी के शरीर में संपूर्ण दुनिया को एकदम प्रकाश प्रकाश कर देती है। इसलिए कृष्ण जब से राधा रानी को दर्शन करते हैं, कृष्ण दर्शन करते ही कृष्ण कहते भैया दुनिया को तो मैं मुक्त करता हूँ,
सारा दुनिया को मैं मुग्ध करने वाले मैं हूँ, इसलिए कृष्ण इतने सुंदर जिनके रूप देख करके लक्ष्मी भी मुग्ध हो जाती है, जिनके रूप देख करके नारायण भी पागल हो जाते हैं, जिनके रूप देखकर कृष्ण स्वयं को स्वयं पागल बन जाते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण अपूर्व सुंदर, उनसे जैसे कोई सुंदर है नहीं। इसलिए गोपियां कभी कभी ताना मारती हैं, नंद लाला तुझे दिखो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में। अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर, अगर तू लाली बनती ना सारा दुनिया तेरे लिए मर जाते। अच्छा हो गया भगवान तुम्हें लाला बना दिया। कृष्ण इतने सुंदर कन्या हमारी हैं, बोले सुंदर की असुंदरम, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव। कृष्ण के लिए उदाहरण दिया है कोटि कमनीय पर काम देव भी, जिनकी रूप में कोटि कर्ण काम देव भी मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण सुंदर है। इसलिए कृष्ण तो सोचते भैया जगत में तो मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे से तो कोई सुंदरता नहीं, लेकिन जब मैं राधारानी को रूप देखता हूँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरी गली की गला की आवाज सुनकर विश्व ब्रह्मांड पागल है, लेकिन राधारानी की गले की आवाज सुनकर मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। विश्व ब्रह्मांड कृष्ण इतने सुंदर, इतने कोमल कृष्ण का शरीर है, इतने कोमल है मक्खन से भी कोमल कृष्ण का शरीर है, सारा दुनिया मेरे को स्पर्श करके आनंद अनुभूति करते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं आनंद में विभोर हो जाता हूँ। विश्व ब्रह्मांड मेरी वंशी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड पागल होते हैं, लेकिन राधा रानी की गला की आवाज में सुनकर मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। इसलिए कहते कोवाला मतलब भैया वो लड़की कौन है, वो राधा रानी है कौन जो इतने सुंदर, जिनकी प्रकाश से विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, इसलिए उस स्थान का नाम है कोवाला और श्री ऋतुद्वीप। वहीं पर राधा को नवद्वीप कौन बन गए। इसलिए याद है कहाँ की कथा बोल रहा हूँ, वो जो एक आम की बगीचा होता है ना, जहाँ पर बैठ करके हम कथा सुनते हैं, और इधर एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ होली भी खेली जाती है आखिर में, वहाँ पर एक बहुत था जहाँ पर होली खेलते हैं आखिर में, हाँ कभी वहाँ होली खेलते हैं। इसलिए वो स्थान का अलग है होली, उस देखना इस तरह बहुत बड़ी तालाब, वहाँ के जो लोग जो दाल है ना उसे पानी से चावल और दाल बनाते, पानी इतने मीठा, राधा रानी का वो राधा कुंड है, वो श्री राधा कुंड इतने मीठा वो पानी, उसी पानी में सबके सब लेकर वहाँ चावल बड़ी सुंदर होता है, दाल तो छोड़ते ही अपने आप गल जाती है, इतने वो पानी मीठा पानी है वहाँ है। इसलिए वो राधा कुंड और वहाँ पर श्री राधा कुंड और श्याम कुंड है। कहते भैया राधा कुंड श्याम कुंड क्या है, ये राधा कुंड श्याम कुंड क्या है, कहते जो राधा कुंड है ये कुंड नहीं ये स्वयं राधा है, और जो कृष्ण कुंड ये कृष्ण कुंड नहीं ये स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों ये कुंड रूप में वहां पर प्रकाशित हुए हैं। बोले राधा कुंड श्याम कुंड प्रकाशित कैसे हुआ, बोले एक समय कृष्ण अपना सखा साथ में खेल रहे थे, वहां पर राधा रानी गोपियां भी थी, इतने में कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम हरिष्टासुर था, उसका जो रूप था ना एकदम सांड का रूप, काला सांड भयंकर रूप था सारा, और जब वो आया अपना प्यार से मिट्टी को उतरते हुए आंधी तूफान और इतने जोर से चित्कार कर रहा था, यहाँ पता ना कि साठ रोज रोज साठ चिल्लाते रहता है, वो इतने जोर से चीख रहा था जैसे स्त्री जिस स्त्री के गर्भ में बच्चा होगा ना वो प्रसव कर देगा, इतना भयंकर उसको चीख मार रहा था, भयंकर धूल उड़ाते हुए आ गया। इतने में सब गोपियां कांप उठे, बोले कृष्ण हमें रक्षा करो, सब सखा गोपियां बोली। इतने में कृष्ण सामने आ गए और आकर उन्होंने उसको साथ में थमा, सान युद्ध की, और युद्ध करते करते उस दोनों सींग को पकड़ लिए, जैसे कपड़े को हम पानी से निचोड़ते हैं ना, सींग पकड़ कर पूरा उसको, जैसे कपड़े निचोड़ते ऐसे निचोड़ करके उसको पूरा वहीं पर मार डाले। जब मार डाले, मारने का बाद अभी राधा रानी गोपियों से खेलने के लिए गए, राधा रानी गोपियां बोले देखो तेरे साथ हम खेलेंगे, बोले क्यों, बोले तुमने गो हत्या कर दी, तुमने गो हत्या कर दी, अभी गो हत्या के पाप लग गए, ये लीला थी ठाकुर जी, वो तो राक्षस था, उसने 60 रूप लेकर आया था,
अभी राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट करना है, बोले भैया तेरे से और खेल नहीं सकते, तुमने गो हत्या की, गो हत्या के पाप लग गई, बोले बताओ अभी क्या करें, करने से मुक्ति होगी, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हैं तुमको स्नान करना पड़ेगा तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकती, बोले कोई बात नहीं मैं यहीं पर सारे तीर्थ को बुला दूंगा। इतने में कृष्णा अपना बंसुरी से वो कृष्ण कुंड उन्होंने बड़े सुंदर कुंड बनाए और उन्हें सारे तीर्थ को उन्होंने आह्वान किया, जितने पृथ्वी में तीर्थ थे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गया गंगा प्रभास पुष्कर जितने तीर्थ थे सख्त मूर्तिमान होकर प्रकट हुए और भगवान के चरण में प्रणाम किया, बोले प्रभु हमारे अहोभाग्य है आप कृपा करके हम लोग को कम से कम स्मरण किया हमारे जीवन धन्य हो गया, बताओ आपके हम क्या सेवा करें, बोले तुम लोग पानी रूप धारण करते हुए कुंड में प्रवेश कर और जितने सबके सब तीर्थ पानी बनकर कुंड में प्रवेश किया और कृष्ण स्नान किया। स्नान किया तो अभी गोपियों ने देखा भैया कृष्ण को तो बड़े सुंदर कुंड बन गया, बड़ी प्यारी कुंड है, अभी हमारे किशोर जी का कोई कुंड नहीं। इतने में गोपियों ने कहा हम भी राधा रानी के लिए कुंड बनाए और उस कुंड का नाम रख दिया कृष्ण कुंड। इतने में जितने सब गोपियां थी ना अपना कंकण से उससे खोद खोद करके तुमने कुंड बनाया लेकिन पानी ले नहीं। कृष्ण ने कहा एक काम करो मेरे कुंड का पानी ले लो, बोले क्या आप इतना छोटे थोड़ी है तुमने गो हत्या की ना और गो हत्या के स्नान किया ये पानी में गो हत्या के पाप लगा लो अपवित्र हो गया हम ये पानी के नहीं लेंगे, बोले फिर क्या करोगे, बोले मानसी गंगा से हम हजार हजार गोपियां हम कल से लेकर के जाएंगे और मानसी गंगा पानी ला कर हम भर देंगे, हम तुम्हारे पानी नहीं लेंगे, हम इतना छोटे थोड़ी है, ये सब के सब कल से लेकर हजार हजार गोपियां चलना शुरू की। इतने में कृष्ण ने कहा देखो तीर्थों मेरी कृपा तो तुम लोगों पर हो गई लेकिन जब तक श्री ईश्वर जी की कृपा नहीं होना तब तक मेरी कृपा तुम्हारे पर पूर्ण रूप में है, इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा है, इसलिए वृंदावन में जाओ इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं राधे राधे। यहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते, बोले क्यों, बोले कारण है वृंदावन श्रीमती राधा रानी और राधा रानी बड़ी दयालु राधा रानी बड़ी कृपालु श्री राधा रानी की कृपा होना तभी तो ब्रजवास होगा तभी तो कृष्ण भक्ति मिलेगी नहीं तो कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब भजन करने के लिए वृंदावन में आए एक दिन उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, बोले क्यों, बोले इतने बड़े राजपद को छोड़कर भजन के लिए आया हूँ अभी तक तो राधा रानी की मेरे ऊपर कोई कृपा ही नहीं हुई तो ये जीवन धारण करके क्या लाभ है, अब प्राण ही नहीं रखूंगा अभी भूखे रह गए अभी राधा रानी छोटी बालिका बन कर के आ गई, बोले बाबा बाबा क्या बात है तो खाना क्यों नहीं खा रहे, बोले लाली हमने इतने बड़े राजपद को छोड़ करके आया और वृंदावन में और राधा रानी की कृपा पाने के लिए लेकिन अभी तक तो राधा जी कोई कृपा ही नहीं। राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली में बोली, बोले बाबा जब तक राधा जी की कृपा नहीं होना तब तक ये वृंदावन में कोई वास नहीं कर सकते, केवल राधा जी की कृपा से ही कोई ब्रजवास कर सकता है, इसलिए तुम ब्रजवास कर रहे हो चूंकि तुम्हारे ऊपर श्री किशोर जी की कृपा है नहीं तो वृंदावन में कोई एक रात भी नहीं रह सकता है केवल उसकी कृपा से ही ब्रजवास होता है। वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोली बोलते ही उनका हृदय तो मर गया क्योंकि राधा रानी थी ना वो स्वयं राधा रानी थी, फिर तो उन्होंने भजन किया। इसलिए जब से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए दोनों भैया हरिचर्च में मस्त हो गए, अभी रूप गोस्वामी की इच्छा बड़े भाई को खीर बनाकर खिलाई, घना कुंड जंगल में कौन खीर बनाएगा, राधा रानी स्वयं आकर के खीर बना करके राधा रानी स्वयं खीर बना करके जाती है। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो गई लेकिन राधा जी की कृपा नहीं होगा ना मेरी कृपा पूर्ण नहीं होगी, इसलिए राधा रानी की भी सेवा करो, क्या कर स्ट्राइक कर दो पूरा पूरा रोड जाम कर दो पूरा रोड में सो जाओ राधा जी के चरण में लेट जाओ सबके साथ रास्ता बंद कर दो ट्रैफिक जाम कर दो। इतने में सब गोपियां किया कि सब ट्रैफिक जाम कर दिया सबके सो रास्ता में सबके सो लेट गए। राधा रानी बोली बताओ क्या चाहिए, बोले हे राधे आप हमारे ऊपर में भी कृपा करो
हमारी सेवा को स्वीकार करो। सब नदियां राधा रानी की स्तुति की। बोले मनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक वृंदा देवी को आदेश दिया। बोले ये दो कुंडों को इतना सुंदर सजाओ, इतने सुंदर सजाओ जैसे पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो। वृंदा देवी ने बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने कुंज बनाए, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए, और वहां एक एक वृक्ष में, हमें पता है एक वृक्ष में एक फूल होता है, एक वृक्ष में दो तरह का फूल नहीं होगा, लेकिन वहां एक वृक्ष में बेली चमेली जूही मालती केतकी चंपक एक वृक्ष में सारे फल मिलेगा, फूल मिलेगा। हमें पता एक वृक्ष में एक ही चीकू वृक्ष में, कभी आपेल देखे हो, आपेल मुख्य में चीकू देखे हो, वहां पर एक वृक्ष में सारे फल एक वृक्ष मिलेगा। और बड़े सुंदर सुंदर कोयल, बड़े सुंदर सुंदर तोते, और बड़े सुंदर सुंदर मयूर वहां पर प्रकट किया है। और वो हर समय क्या करते हैं, वो क्या करते हैं हर समय, वो हाँ राधे राधे करते, इधर उधर का बात नहीं करते हैं। जैसे कोई को नहीं, वो सब के सब राधा कृष्ण की कीर्तन गाते हैं। और वहां पर जो सीढ़ी उन्होंने बनवाया, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर कीर्तन लिखे, बोले चिंतामणिमय राधा कुंड तत
ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रुम मयत रोलता ताहे कुंज सत सत। तब श्री वृंदा देवी ने बड़ी सुंदर सुंदर कुंज बनाया और कैसे कैसे कुंज बनाया वर्णना करते हैं। कोई कुंज का रंग एकदम सफेद रंग, किसी कुंज का रंग एकदम नीला वर्णना, किसी कुंज का रंग पूरा हल्दी वर्णना, किसी कुंज को वर्णना नील वर्णना और ऐसे ऐसे कुंज बोले किस चीज से कुंज बनाए सुंदर सुंदर फूलों से और किस फूल से किस कुंज और ऐसे कैसे कुंज बना जिसमें केवल पत्ते पत्ते में कुंज बने। बोले कुंज कैसे है जैसे वहां पर कोई खड़े है ना, जैसे ये कुंज में अगर कोई कुछ करता होगा जैसे आप कुंज को बाहर खड़े हुए अंदर में क्या क्या करेगा आप देख नहीं सकते, वहीं खड़े होने पर भी आप देख नहीं सकते अंदर में क्या हो रहा है। बोले कुंज में प्रवेश करते ही वो कुंज का रंग और जो प्रवेश करेगा उसका रंग एक हो जाता है। इसी जगत में असंभव है, इस जगत में असंभव है, वो अप्राकृत जगत में ये वृंदा देवी के लिए ही संभव है जो इतने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के लिए उन्होंने कुंज बनाते हैं। और राधा कुंड श्याम कुंड अब देखे कि नहीं गए, उन्होंने चार ही कोण में उन्होंने वृक्ष बनाया। एक कोण में तमाल वृक्ष, जिस तमाल वृक्ष में बड़े सुंदर झूला पड़ा है, जब राधा कृष्ण झूलते हैं कभी कदम वृक्ष में कभी तमाल वृक्ष में जब झूलते हैं ना, कहते हैं कि जो परछाई पड़ती है पानी को अंदर में लिखी परछाई पड़ती है परछाई। इसलिए किसी कोण में आम के वृक्ष, किसी कोण में तमाल, कभी उन्होंने कदम का वृक्ष है, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने वृक्ष बनाए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी एक दिन एक ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथों को पढ़ना, उसका नाम है चाटू पुष्पांजलि, चाटू पुष्पांजलि, जिस ग्रंथ में राधा रानी कितने सुंदर उन्होंने वर्णना किया, कितने सुंदर राधा जी के श्रृंगार राधा रानी के रूप बड़ी सुंदर वर्णना किया। रूप गोस्वामी वर्णना करके सनातन गोस्वामी बड़े भाई को दिया, भैया देखो मैंने ये ग्रंथ बनाया राधा जी की रूप की वर्णना की। रूप गोस्वामी पढ़े बड़े भाव, बड़े सुंदर राधा रानी के रूप की वर्णना की है, लेकिन एक श्लोक उनको पसंद नहीं आया। बोले कौन सा श्लोक है? बोले देवी गोरचना गौरी परपरेत्र भरव बिना बेड़ी पाला मिली फला। देखो इसका मतलब है उन्हें सब चीज को वर्णना किया लेकिन जब राधा रानी की केस को वर्णना की कैसे, बोले जैसे काला नागिनी सांप, जैसे काला नागिनी सांप को साथ बुदा कर दिया। सनातन गोस्वामी पढ़ करके बोले तुम तो सब बढ़िया बनाया, सब बढ़िया तुमने वर्णना की, लेकिन राधा रानी का जो केस है ना तुमने एक काला नागिनी सांप को साथ में बराबर दे दिया, ये थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है, ये थोड़ा बस सुधर जाता रहता, कहां सर्प खाल जाती के और राधा रानी कहां प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी और उनको तुमने काला नागिनी को साथ में बराबर कर दिया। रूप गोस्वामी ने कहा भैया टाइम आने पर मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ी सी सुधारने के लिए। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा गिरिराज परिक्रमा रोज करते थे, परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड में आए इतने में देखा रिमझिम बारिश हो रही है, बड़ी सुंदर कदम वृक्ष है उसमें एक सुंदर झूला लगा हुआ और बीच में 13.5 साल की एक बड़ी सुंदर ईश्वरी वो झूले में बैठी हुई, अगल बगल में कुछ सखियां वो झूला को झूला रही और राधा रानी का केस कितना बड़ा पता है आपको, ये सर से लेकर के चरण तक है, मेरा जो केस है ना है ये सर से लेकर के चरण तक राधा जी का केस है। आप लोगों ने कभी केस को छोटी बनाती होगी ना, छोटी बनाती है ना उसको बेड़ी बनाती है, बेड़ी बनाती है सखियां राधा जी की जो केस बहुत लंबी और उसने सखियों ने चार उन्होंने चोटी बनाई, जब चोटी बनाई राधा रानी झूला में बैठी हुई और जो राधा रानी को ऐसे झूला रही थी वो चोटी नीचे तक झूल रही थी, चोटी भी झूल रही थी, चोटी कैसे है ऊपर मोटी और नीचे पतली है, ऊपर मोटी नीचे पतली होती है और राधा रानी का जो केस है ना काली केस है, एकदम घना काली जैसे तैसे नहीं एकदम काली रंग के एकदम केस है राधा रानी, राधा रानी गोरी और केस काली और सर से लेकर पैर तक बैठी हुई और चोटी भी लंबी लंबी चोटी, वो चोटी भी झूल रही थी, लेकिन जब चोटी झूल रही थी दूर से ऐसे लग रहा था
माना उनको ऊपर में तीन चार काला नागनी जैसे वो लड़की को ऊपर में पीछे से चढ़े हुए और उसको काटने जा रहे हैं। वो झूल रहे थे ना, छोटी भी झूल रही थी, लग रहे थे जैसे काला नागनी। इतने में सनातन गोस्वामी दूर से देखा, देख करके बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है, उसको पीठ के ऊपर तीन चार काला नागनी चढ़ी हुई, उसको काटने की दिख नहीं रहा है। इतने में सनातन गोस्वामी दौड़े वहां पर बताने के लिए। बीच में जो बैठी हुई थी वो थी राधारानी, थी राधारानी बड़ी सुंदरी प्यारी। उन्होंने बाबा की तरफ में थोड़ी सी देखे और थोड़ी सी मीठी मीठी हंसी दी, हंस करके राधारानी अंदर ध्यान को झूला फूला कुछ थी। बोले भैया ये क्या हो गया, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ ना, सच मुझसे कोई चीज देखा। फिर उनको याद आया, अरे श्री रूप गोस्वामी जब राधा रानी की चोटी को वर्णना कर रहे थे, काला नागिनी साथ को साथ उन्होंने बराबर किया है। और मैंने बोल दिया था भैया तो अगर थोड़ी सी सुधर जाए तो अच्छा होगा, कहा राधा रानी भक्ति प्रेम स्वरूपिणी और तुमने चोटी को काला नागिनी को साथ में बराबर दे दिया है, इसलिए मैं बोल रहा था। लेकिन राधा रानी मेरे को दिखाया नहीं, रूप ने जो लिखा वो सही लिखा। क्योंकि जो संत लोग जब कोई चीज देखते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे साधारण कवि वो क्या करते हैं, वो कपोल कल्पना है, अपना मनमानी ढंग से है ये कल्पना करते हुए कोई को रूप को देते हैं। लेकिन संत लोग ऐसे नहीं करते, संत लोग क्या करते हैं, वो जैसे देखते हैं ना वो वैसे ही लिखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे वो लिखते हैं, उन्होंने जैसे देखा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरं वचिन्त गुणस्वरूपं गोविंदं मादि पुरुषं तमं भजन्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, जब आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, हमारी आंखों में काम क्रोध मोह रूपी अंजन, लेकिन जब कोई आंखों में कौन सा अंजन काजल लगाए, प्रेम रूपी राधा कृष्ण के प्रेम रूपी अंजन को लगाए, फिर क्या होता है, संत सदैव हृदय सु विलोकयंतम। फिर संत लोगों ने हर समय अपना हृदय में राधा कृष्ण का जुगल रूप को निहारते हैं और जैसे वो देखते हैं ना वैसे लिखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे लिखते हैं। तो उनको याद आया, अरे राधा रानी मेरे को बताए, देखो रूप गोस्वामी ने जो लिखा है ना, रूप मंजरी है ना, राधा जी की प्रिय सखी है, उसने जो लिखा वो सही लिखा है। फिर आकर के बोले रूप तुमको सुधारने का जरूरत नहीं, बदलाव का जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से श्री ईश्वर जी की मुझे दर्शन हुआ है, राधा रानी ने हमें दर्शन दिए। प्लस श्रीमती राधा रानी की जय, जैसे वृंदावनेश्वरी की जय। देखो अभी प्रश्न आता है, तो उन्होंने राधा जी की चोटी को काला नागिनी को साथ में क्यों बराबर किया, जरा कारण बताए। बोले देखो जो स्त्रियां हैं उनका सुंदर किस चीज केस, अब देखना जितने सब एडवर्टाइज आता है ना सब केस के लिए है, इसके लिए ये शैम्पू, उसके लिए वो शैम्पू, नए 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 सब चीजें आती है, जब जितना पैसा है ना सब केस में लगा लेते हैं सब के सब। अब एक स्त्री इतने सुंदर क्यों नहीं हो, उसका मुंडन कर दो, केस काट दो पूरा तुम्हारा, उसको पूरा मुंडन मुंडन मतलब तुम गज्जा कर दो अच्छी लगेगी। आप कितना जितने पैसा जितने सुंदरता सबके सब स्त्रियां किसी में लगाते हैं, केस में, सारे को सारे केस में। इसलिए राधा रानी की केस को उदाहरण किया था, वो काला नाग जैसे काला सांप जैसे टांसनी है, राधा जी की इतने सुंदर केस, जब श्याम सुंदर केवल राधा जी की केस को दर्शन करते हैं स्वयं मुक्त हो जाते हैं, इतने सुंदर श्री राधा रानी की केस का इतना सुंदर है। इसी राधा कुंड में ही इन्होंने राधा रानी को झूला में झूलते हुए उन्होंने श्री राधा कुंड में उन्होंने दर्शन किया, इसलिए श्री वृंदा देवी उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड को बड़ी सुंदर दिव्य है, इसलिए चिंता मणिमय राधा कुंड तत्र ताहि कुंज सतसत प्रवाल विद्रुम मय तरलता ताहि कुंज सतसत, हजार हजार उन्होंने कुंज सुंदर सुंदर उन्होंने कुंज उन्होंने बनाया वहां पर। हमें पता है मुक्ता कहाँ पर होता है, सीम समुद्र में होता है, आठ तरह का मुक्ता है, लेकिन कृष्ण वहां पर बताए, लेकिन वहां पर वृक्ष में सुंदर सुंदर मुक्ता फल, मुक्ता फले अवनत,
वहां पर वृक्ष में मुक्ता होता है। देखो कहानी सुनो, बोले एक समय दीपावली का समय आया, गोपियां सुंदर सुंदर मुक्ता की माला बना रही थी, क्यों अपना गैया को सजाएंगे, हिरण को सजाएंगे। कृष्णा ने एक समय गोपी राधा जी को पास में गए, बोले भैया मेरे भी एक एक बछड़ा है, हिरण है, मेरे को थोड़ा मुक्ता दोगे, मैं भी अपना हिरण गैया को सजाऊं माला करके। गोपियों ने कहा गैया चढ़ाता है, गैया के पीछे पीछे टोलता है ग्वाला और मुक्ता। मुक्ता तो राजा महाराज व्यवहार करते हैं, उन्होंने जो फटे फटे मुक्ता था ना, टूटे फटे बोले मुक्ता ले, कृष्ण को खिली उड़ाया। कृष्ण को तो बड़ा दुख मिला, मैंने बोला थोड़ा मुक्ता मेरे को दो, मेरे गैया और हिरण को मैं भी सजाऊंगा। गोपियों ने मेरे को खिली उड़ाई, गैया के पीछे पीछे डोलता है ग्वाला, हाँ तो तू क्या मुक्ता जानते हो। बोले ये गोपियों को मजा चढ़ाना पड़ेगा, इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। इतने में कृष्णा अपना भैया के पास में गए, भैया 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 की गोद में बैठी गई, थोड़ी पकड़ ली, बोले भैया भैया मेरे को थोड़ा मुक्ता दोगे। बोले लाला मुक्ता क्या करोगे, बोले भैया मैं पेड़ लगाऊ। बोले पागल, मुक्ता नहीं पेड़ होता, पेड़ में कहीं मुक्ता होता है, मुक्ता तो समुद्र में होता है, मुक्ता समुद्र में होता है, सीम कर होता है। बोले नहीं भैया मेरे को दे दे, मैं मुक्ता बनाऊंगा, तेरे को ज्यादा करके वापस दे दूंगा, इसलिए मेरे कुछ मुक्ता दे दो। भैया तो डांट लगा दी, जब डांट लगा दी श्री कृष्ण गए, बड़े दुखी होकर गए। जब भैया चली गई ना, पहले सिंदूक होता था, पहले अलमारी पर सिंदूक जानते हो, लकड़ी से होता था, उसमें सारे सामान उसमें रखते थे। कृष्ण गए और सिंदूक को खोले और वहां से मुक्ता चोरी करके ले, चोरी करके ले और सखाओं को लेकर जमुना किनारे में गए और गोपियों को दिखा दिखा कर उन्होंने खेती किया और मुक्ता को उन्होंने बोई। सखियां तो खिली उड़ा रहे, देखो पागल, मुक्ता का पेड़ होता है, अरे मुक्ता होता है समुद्र में, सीप के अंदर में होता है, और ये लगा रहे पेड़ लगा रहे। और कृष्ण ने उनको दिखा दिखा कर ना उसमें दूध डाले, बोले पानी नहीं दूंगा, उसमें दूध डाल दिया। बोले देखो गोपियों ने, बोले देखो कैसे पागल है, पेड़ में अब दूध दोगे ना पेड़ मर जाएगी, दूध दोगे तो जिंदा रहेगा, पानी दो तो पेड़ होता है, दूध देने से पेड़ मर जाता है। देखो मुक्ता फिर मिट्टी में खोद रहा है, फिर दूध दे रहा है। कृष्ण उनको दिखा दिखा कर दिया, गोपियां तो खिली उड़ा रही, लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान। कृष्ण कौन है, भगवान, वो ईश्वर है। ईश्वर कहते हैं किसको, बोले अगर तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जा सकते थे, बोले है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते, दिन को रात, रात को जो दिन कर सकते, वो भगवान है। कृष्ण ने सचमुच उन्होंने इसे लगाया, सुंदर वहां वृक्ष हुआ, बड़े सुंदर वृक्ष हुआ। गोपियां देखते रह जा मारे, तो सचमुच से बड़े सुंदर वृक्ष हुआ। अब वृक्ष हुआ तो जब फूल आया ना, इतने सुंदर उसमें फूल लता और फूल आई, उसका सुगंध से चारों तरफ एकदम सुगंधित सुगंध चारों तरफ कर दिया। और उसमें जब फल आया मुक्ता आठ करके, लेकिन कृष्ण ने जो वृक्ष बनाया उसमें जो मुक्ता आया सबसे ज्ञान, सबसे सुंदर मुक्ता, तरह तरह का सफेद रंग का, लाल रंग का, नील रंग की, अद्भुत रूप में मुक्त आया। गोपियां तो देख रह जा, भैया तो गजब कर दिया, ये पेड़ से मुक्त हो गया, पेड़ से मुक्त हो गया। इतने में हम लोग वृंदावन गए ना, मुक्ता वृक्ष देखे हो, पेड़ में देखे नहीं अभी तक, भगवान फिर क्या देखा तुम लोग ने। हाँ कभी अगर आओगे ना वृंदावन में, फिर मैं वो फल ला कर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो जैसे लाल रंग की उसको खाते भी है, मीठा मीठा लगता है, छोटी 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 होती है। देखो एक वृक्ष तीन चार तरह का मुक्ता फल आती है, तीन चार तरह का मुक्ता फल आती है, कभी आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। इसलिए उन्होंने गोपियों ने कहा भैया हम भी मुक्ता पेड़ लगाए, क्या कृष्ण ही मुक्ता उगा सकते हैं, हम नहीं उगा सकते, बोले हम भी मुक्ता पेड़ करें। उन्होंने क्या किया, पतियों को बोला नहीं, छुपा छुपा करके पतियों से उन्होंने अपना बक्से से सिंधु को से मुक्ता चोरी चोरी करके लाई। पतियों को बोलेगे तो डंडा मारेगी, पेड़ होता है हाँ डंडा मरेगी, इसलिए उसने छुपा छुपा करके लाए। बोले होगा ना, फिर लेकर छुपा कर लेंगे, पति को बोलने का जरूरत है, उन्होंने पति से छुपा करके उन्हें लाए। और उन्होंने भी जमीन खेती किया, जमुना किनारे में खेती किया। बोले तुमने दूध दिया था ना हम मखन देंगे, तुमने दूध डाला था हम मखन, इसमें मखन डालेंगे। इतने में कृष्ण को दिखा दिखा कर मखन डाले, लेकिन जब उनका वृक्ष हुई ना, जो बबुल वृक्ष जितना देख रहे ना वृंदावन में, जहां तक ना बबुल वृक्ष देखोगे
वो कांटा वृक्ष वहां पर मुक्ता वृक्ष नहीं हुई, सब सब कांटा वृक्ष हुआ। बोला अरे हम तो सारे मुक्ता पति को बिना बोले सारे मुक्ता ला के बो दिए और वहां पर तो कांटा वृक्ष होगा। अगर हम पतियों को पता चला हमने सारे मुक्ता छुपा छुपा बर्बाद किया, एक डंडा नीचे नहीं सब पीठ को अगर तुम भगवान को छोड़ करके कोई शुभ काम भी करोगे ना वो अशुभ है, इसलिए भगवान को छोड़ करके कोई काम नहीं करनी चाहिए। भगवान को निगलन करके कोई काम करना हरि विमुख कभी सुख नहीं बाबा, भगवान से विमुख होकर किसको सुख मिला ही नहीं। इसलिए हर काम अगर कृष्ण के अनुकूल होकर के उनकी इच्छा के अनुरूप अगर हर काम करोगे उनकी सुखी के लिए करोगे तो फिर फलते फूलोगे। अगर उनको छोड़ कर कोई काम करोगे ना तो मुक्ता भी पेड़ कांटा के पेड़ बन जाएगी, वो भी कांटा पेड़ बन जाएगी। अभी क्या होगा, वो तो बड़े विपद में पड़ गए। अभी तो सारे मुक्ता सबके सब खत्म घर का, अभी तो क्या किया जाए। बोले भैया हम तो कृष्ण जब कुछ मुक्ता मांगने के लिए आए थे हमने तो उनको खिली उड़ाया है, उनको खिली उड़ाया, अभी क्या करेंगे, कृष्ण के पास में कैसे जाएंगे, कुछ सोना लेकर के उनको दे करके उनसे हम मुक्ता फल वापस लाएंगे। फिर तो कृष्ण के पास में जाना पड़ा। कृष्ण ने कहा हाँ मैं गया था ना मुक्ता मांगने के लिए, मेरे को तुमने क्या बताया था, कहा ग्वाला गैया को पीछे पीछे दौड़ता रहता है और मुक्ता तो राजा लोग व्यवहार करते हैं, तू कहा तू ग्वाला तू मुक्ता का महिमा क्या, अभी तुम लोगों को मेरे पास में आना पड़ेगा ना इसलिए हमको दान देना पड़ेगा। फिर कृष्ण तरह तरह से उनके साथ में प्रेम कलह किया है। इसलिए कहते श्री राधा कुंड पर श्री वृंदा देवी ने मुक्ता फले अवनत, उन्होंने मुक्ता की सुंदर सुंदर उन्होंने वृक्ष को बोई, चार तरफ मुक्ता वृक्ष को उन्होंने लगाए। फिर श्री राधा कुंड श्याम कुंड को बड़ी सुंदर कमल फूल, कमल फूल चार तरह के होते हैं, देखे कि नहीं कमल फूल, कितने तरह के कमल फूल देखे हो, एक है सफेद है, एक लाल है और एक नीला है और एक है पीला है, कहते हैं चार तरह का कमल फूल। वहां पर श्री वृंदा देवी ने चार तरह का कमल फूल को उन्होंने खिलाए और वहां पर सुंदर सुंदर राज हंस वहां पर क्रीड़ा करके थे राधा कृष्ण श्याम कुंड में। सुंदर उन्होंने कुंज बना करके कृष्ण कभी जल विहार करते हैं, कभी वहां पर कृष्ण नाव में कभी कभी नौका विलास करते हैं, कभी कृष्ण महाराज को बाद में वहां पर कृष्ण वहां पर स्नान करते हैं, वहां पर कभी कुंज लीला करते हैं कृष्ण, कभी मधुपान करते हैं, कभी कृष्ण वहां पर रास लीला करते हैं। बोले कहां पर, बोले श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में भगवान सुंदर सुंदर वहां पर लीला करते हैं। इसलिए ये जो राधा कुंड है, क्योंकि नबद्वीप धाम को बताया गुप्त वृंदावन, क्या है गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन मतलब क्या है, बोले वृंदावन वहां पर गुप्त रूप में, जैसे आप वृंदावन दर्शन करो वृंदावन में लीला दर्शन कर जाओ आपको हाथ में केवल वृंदावन दर्शन करने का फल मिलेगा, लेकिन नबद्वीप धाम दर्शन करने का फल नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति श्री नबद्वीप धाम परिक्रमा करे, अब दोनों हाथ में लड्डू है, एक तो नबद्वीप धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा ही, उसको साथ साथ में आपको श्री वृंदावन परिक्रमा करने का फल अपने आप मिल जाएगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को जो उपासना करेगा, चैतन्य महाप्रभु जो उपासना करेगा उसको दो उपासना हो जाएगी, महाप्रभु का उपासना तो होगा अंदर में कृष्ण, ऊपर में राधा रानी, ऊपर में गौरा का राधा रानी, लेकिन अंदर में वो कृष्ण है। बोले अंत कृष्ण बहिरी गौर, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहते राधा जो कृष्ण को उपासना करते हैं उनको केवल कृष्ण उपासना होगी महाप्रभु की नहीं, लेकिन जो व्यक्ति महाप्रभु को उपासना करते हैं उनको महाप्रभु की उपासना और उनको कृष्ण की उपासना, दोनों की उपासना उनको अपने आप हो जाती है। इसलिए श्री राधा कुंड श्याम कुंड के लिए बताए, बोले जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्प गोपेशु बल्लभ विष्णु रतंत बल्लभ, बोले जथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा, कहते जैसे श्याम सुंदर का राधा रानी जितने प्रिय है, बोले कुंड भी उतना प्रिय, बोले कुंड नहीं वो स्वयं से राधा रानी। अगर वहां पर कोई स्नान करते हैं राधा कुंड में, कोई अगर स्नान करेगा ना
बोले पृथ्वी में जितनी सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ में स्नान करने का फल राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करने पर फल मिलेगा। क्यों? सारे तीर्थ उन्होंने प्रवेश किया और राधा कुंड में स्नान करने पर और क्या मिलेगा? बोले राधा रानी की प्रेम में स्नान हो जाता है। जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करते हैं उसको राधा रानी की प्रेम मिलता है और उसका इतने महिमा इतने महिमा। अभी जो भजन गा रहे थे ना, मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज हो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी सती रमा कृपा कटाक्ष मके कमर तक, कोई घुटन तक, कोई छाती तक पानी में 108 बार ये स्तुति को कोई पढ़े, कहते राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के उसको दर्शन देते हैं। राधा रानी के दर्शन साक्षात हृदय से अगर कोई पढ़ेगा ना, कहते राधा रानी स्वयं प्रकट होकर उसको राधा रानी की वहां दर्शन मिलता है। इसलिए राधा कुंड की इतने महिमा, कहते वृंदा विदिन्न सुरम वृंदावन धाम की बहुत महिमा है, अनंत महिमा वृंदावन धाम की और रास स्थल की उससे भी ज्यादा महिमा है। बोले गिरिराज गोवर्धन की उससे भी ज्यादा महिमा है, लेकिन श्री गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये स्वयं कृष्ण, ये स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज को उदाहरण दिए। लेकिन कहते हैं वहां पर जो मुखारविंद ये कृष्ण के मुखारविंद है, लेकिन उनका दो आग किया है। बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, गिरिराज गोवर्धन के दो आग है, जैसे एक सुंदर शरीर है, बड़ी सुंदर शरीर, लेकिन आग से दाना है, आग से दिखता नहीं, सब बेकार है ना। शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग आग है, आग है, अगर आग चली गई तो सब चली गई। इसलिए कहते गिरिराज गोवर्धन की कहते ये आग किया, बोले राधा कुंड श्याम कुंड के दो आग है। इसलिए कहते इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले वैकुंठ भगवान जो वैकुंठ धाम है वो सर्वश्रेष्ठ धाम वैकुंठ धाम है। लेकिन वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ क्या? बोले मथुरा। वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ मथुरा। बोले क्यों? बोले वैकुंठ में जितने भी भगवान की अच्छे तरह समझो, हिंदी समझ रहे हो सब? और कौन हिंदी जानता है? हाँ देखो, ये वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है और राधा कुंड श्याम कुंड ये चीज अच्छे तरह दिमाग में बैठा हो अच्छी तरह से, कहते वैकुंठ सर्वश्रेष्ठ जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण के निवास है, ये सर्वश्रेष्ठ धाम श्री वैकुंठ है। लेकिन उससे श्रेष्ठ किया? बोले उससे श्रेष्ठ मथुरा। बोले क्यों श्रेष्ठ मथुरा? बोले वैकुंठ में तो भगवान ठाकुर है लेकिन प्रभु नारायण रूप, वहां उनकी जो उपासना होती है वो ऐश्वर्य रस से होती है, उनको ऐश्वर्य, जितने वैकुंठ में भक्त है सबके सब शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वदारम गगनशरणम वेगवर्णम सुभांगम। इसलिए कहते वहां पर जितने सबके सब भक्त है ना, सब नारायण को भगवान रूप में स्तुति करते हैं, ये भगवान है और हम उनकी सेवक है, भगवान ये हम उनकी सेवक। इसलिए सबके सब वैकुंठ में भगवत जो आराधना ऐश्वर्य बुद्धि में भगवान की सब आदेश पालन करती है। लक्ष्मी हर समय क्या करती है? नारायण की चरण को अपना गोद में लेकर के दिन रात चरण की ये सेवा करती रहती है। इसलिए वहां पर ऐश्वर्य बुद्धि है भगवान की। लेकिन कहते तो उससे श्रेष्ठ किया? बोले मथुरा। बोले क्यों? मथुरा में क्या है? बोले मथुरा में वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अजो विसर्ण अभय आत्मा भूतानाभि ईश्वर विसर्ण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले क्यों? बोले भक्तों को आनंद देते हैं, भक्तों को आनंद। इसलिए कृष्ण अजन्मा, लेकिन वहां पर जन्म लिया था मथुरा में,
लेकिन मथुरा में हमने पर भी मथुरा में तो भक्ति करते हैं मथुरा के लोग, लेकिन वहां पर आधा ऐश्वर्य भाव और आधा माधुर्य, आप लोग समझ रहे हो, आधा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है जो भगवान कृष्ण को तो मथुरा में भगवान मानते हैं, लेकिन मानने पर भी, लेकिन उनका जो प्रिया है, उनको जो पिता माता, बोले पिता माता कौन है, बोले जो देवकी और वसुदेव है, उनने किस रूप में उपासना करते हैं, बोला हमारे बेटा ये हमारे लाला है, तो भगवान है, लेकिन उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, उनको पता है कि ये भगवान है, लेकिन है होने पर भी, लेकिन उनके अंदर में क्या भावना है, ये कृष्ण बेटे होने पर भी ये हमारी ये भगवान है, इसलिए आधा ऐश्वर्य भूमि और आधा उनको माधुर्य, लेकिन इनके तो उनसे श्रेष्ठ वृंदावन, बोले क्यों वृंदावन श्रेष्ठ, बोले भगवान जहाँ रास किया, भगवान जहाँ रास करते हैं, इसलिए वृंदावन विशेषकर गोकुल में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, कृष्ण को ही भगवान, ये हमारी लाला है, ये हमारी सखा है, ये हमारी प्रियतम है, ये हमारी प्रियतम है, देखो ये चीज को समझो, इसलिए आप लोग बोलोगे तो अच्छा वैकुंठ में तो अच्छा है, सबके सब भगवान मानते हैं और वृंदावन में कोई भगवान नहीं मानते, ये चीज को समझो अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, फिर बाद में मैं पूछूंगा क्या समझे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसलिए क्यों इससे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ क्यों है, इसलिए जैसे समझो तुम्हारे घर में एक नौकर है, तुम्हारे घर में नौकर है, अब ये नौकर क्या करता है, दिन भर काम करता है और आपको अपना प्रभु मान करके दिन भर खाना बनाएगा, बर्तन साफ करेगा, तुम्हारी प्लेट साफ करेगा, घर में पोछा लगाएगा, तुम्हारी चरण पैर दबाएगा, सब कुछ करेगा, एक सेवक है, एक सेवक दिन भर सेवा करता है, लेकिन आपको सेवक उनको भगवान प्रभु मानता है, ये मानता है हमारा सेवक है, नौकर है, लेकिन आप एक नौकर को साथ में बात करके जितना आनंद मिलेगा, जब एक दोस्त आपको साथ में घर में आएगा, एक दोस्त को साथ में बात करके अच्छी लगेगी ना, एक नौकर को साथ में बात करके आप अच्छी लगेगी, दोस्त के साथ, वो दोस्त तुम्हें, दोस्त तुम्हें ये नहीं मानता है, ये प्रभु नहीं मानता, अरे आएगा तो एक आसन पर बैठ जाएगा, गले में लगा देगा, तू क्या कर रहा था, कब से देखा नहीं, तुम कहाँ गए, कितने प्रेम से होकर बात करोगे, कितनी की होकर बात करोगे, इसलिए दिल खोल करके बात करोगे, लेकिन नौकर से ऐसे बात कर सकते, ना डपट करके बात करो, तुमने काम नहीं किया, जाओ यहाँ ये काम करो, लेकिन उसका नौकर जैसे व्यवहार करोगे, उसको साथ में दिल खोल कर बात नहीं कर सकते हो, जद्यपि वो दिन भर तुम्हारी सेवा करता है, लेकिन जो दोस्त आता है उसके साथ दिल खोल कर बात करते हो, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कि जज है, वो जो कोर्ट में बैठता है ना, सब उसको थर थर कांपते हैं, सब सालून देते हैं, सब खाते, वो जज कोर्ट में बैठी करके इसको मृत्यु दंड दे रहा है, इसको आजीवन कारावास दे रहा है, इसको 5 साल तक के लिए उनको जेल दे रहा है, इतना वहां सब सालून करते हैं सब जज को, लेकिन जैसे उसका काम है सवेर से 10 तक 4 बजे तक उसका काम ड्यूटी है, आप देखना जब 4 बज जाता है ना, उसका मन और वहां नहीं लगता है, वहां कोई मन नहीं लगता, वहां पर सब आदेश पालन करते, सबके सब सेवक उसके नौकर जिसको जैसे आदेश देना है सब कांपते हैं, लेकिन 4 से अगर 5 हो गया उसका मन विचलित हो जाता है, भैया कब जाए, कब बीवी से मिले, बच्चे से मिले, भैया से मिले, जब वो देर में आएगा ना, आते ही बच्चा तो भागते हुए आएगा, गोद में चढ़ जाएगा, पापा पापा मेरे लिए क्या लाए, उसको उसको केस को नोचने लग जाए, कपड़े को खींचने लग जाए, पकड़े में हाथ घुसाएगा, पापा मेरे लिए क्या लाए हो पापा, और आते ही पत्नी का तो ऑर्डर इतना लेट कर दिया, अभी घर में सब्जी नहीं, सब्जी लाना, ये करना, इतना समझ कर क्या कर रहे थे, मैया भी आके डांट लगाई, ए लाला कितना समय क्या कर रहा था, बच्चों को पढ़ाने उसको पेपर आ गया, देखो घर में आते ही सबका डांट पड़ रहा है, घर में आते ही सब डांट पड़ रहा है, लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे, सबके सब उसका आदेश पालन कर रहे थे, जैसे जिसको दंड दे रहे थे, आप बताओ उसको कोर्ट में अच्छा लगता है ना, घर में अच्छा लगता है, यही चीज को समझो, यही चीज को समझो, इसलिए कृष्ण जब कोर्ट में बैठते हैं तो नारायण रूप में सबको आदेश, सारे सबके हाथ जोड़ करके शांताकार भोजन शयन स्तुति कर रहे, सबके सब जिसको जैसे आदेश दे रहे, लेकिन वही नारायण जब कृष्ण है, जब गोकुल में आते हैं ना, उसको कोई भगवान मानते नहीं, सका लोग कोई फल मिलेगा तो पहले खा लेते हैं, बोलते ना फल बड़ा मीठा होता है, सारे अकेले खा चिंतर खा लेते हैं, और कृष्ण जहाँ बैठा होगा ना, सका सीधा आ जाएगा, उसको बगल में बैठ जाए, अकेला बैठ गया,
हैं और भैया तो उखल में बांध देती और गोपियां को तो चरण में गिरते गिरते कृष्ण कहते भैया मेरे को गिरिराज उठाने में जो ताकत नहीं लगी और अकासुर बकासुर को मारने में जो ताकत नहीं लगा अगर राधा रानी मान कर लेती है ना पता नहीं कितने मेरे को परिश्रम करना पड़ता है उसकी मान को उतारने के लिए इसलिए यही चीज को समझो इसलिए कहते हैं वैकुंठ में जितने भी भगवान को सबके सब ईश्वर बुद्धि में उपासना करते हैं लेकिन भगवान को इतना आनंद नहीं मिलता लेकिन जब कृष्ण मथुरा में अपना पिता माता रूप में आते हैं गोकुल में जब कृष्ण रूप में आते हैं पूर्ण आनंद कृष्ण को जब गोकुल में लाला बन करके क्यों मेरे लाला है मेरे प्रियतम है मेरे सखा है मेरे दोस्त है क्यों यहाँ पर ऐश्वर्य बुद्धि नहीं यहाँ पर माधुर्य बुद्धि मतलब स्वाभाविक रूप में जैसे दोस्तों को साथ में पत्नी को साथ में मैया को साथ में जैसे वहां स्वाभाविक रूप में प्रेम है इसलिए कहते सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है जैसे वृंदावन जहाँ पर रास रचाया बोले उससे श्रेष्ठ किया बोले गिरिराज गोवर्धन लेकिन सर्वश्रेष्ठ धाम किया बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड क्योंकि ये कृष्ण की दो आंखें हैं ये कृष्ण की दो आंखें हैं इसलिए जो राधा कुंड श्याम कुंड है कहते यही राधा कुंड श्याम कुंड कहते यद्यपि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है यद्यपि उद्धव की यानी सर्वश्रेष्ठ प्रेम सर्वर सर्वश्रेष्ठ लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये जितने महिमा ब्रज की स्थान की जितने सारे महिमा को एकत्रित करने पर ये राधा कुंड श्याम कुंड की इतने महिमा है जैसे राधा कुंड श्याम कुंड का महिमा एक अथाह समुद्र है और ब्रज का दूसरे स्थान की महिमा है लेकिन होने पर भी ये अथाह समुद्र जैसे उसका बूंद को सामने ये सारे जगह की महिमा को आप उसको बराबर एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो राधा कुंड श्याम कुंड की इतने महिमा भगवान की जितने मधुर लीला वही परम है इसलिए बोले स्थान काल पात्र स्थान मतलब राधा कुंड श्याम कुंड स्वयं राधा कृष्ण काल मतलब वहां पर सर्वश्रेष्ठ कौन सा समय में बोले मध्याह्न लीला है कृष्ण मध्याह्न लीला सबसे बड़ा समय है वहीं पर कृष्ण गैया चराते चराते आते हैं राधा रानी सूर्य पूजा की बहाना से दही दूध बेचने की बहाना से आती है और वहीं पर उनको जो स्वच्छंद रूप में दूसरे जगह पर थोड़ा डर रहती है कभी सास ससुर नहीं आ जाए लेकिन वहां पर निश्चिंत होकर के हाँ जोग माया चारों तरफ से रक्षा करती है वहां पर निश्चिंत रूप में होकर वहां राधा कृष्ण की विहार वहां पर होता है और पात्र मतलब वहां पर कौन सा भक्त रहते हैं बल राधा रानी की जो पक्ष के जो गोपियां तीन तरह की गोपियां हैं हाँ केवल राधा पक्ष जो गोपियां हैं ये राधा कुंड श्याम कुंड में रहते हैं और उनको साथ में स्वच्छंद रूप में विहार करते हैं इसलिए अगर कभी राधा रानी मान कर लेती है ना कृष्ण राधा कुंड में तीन संध्या स्नान करते हैं त्रिसंध्या स्नान करते हैं क्यों क्यों ये राधा कुंड में राधा रानी के प्रेम में कृष्ण स्वयं स्नान करते हैं और त्रिसंध्या बैठ करके राधा रानी मंत्र की जप करते हैं राधा रानी मेरे पर खुश हो जाए राधा रानी मेरे पर प्रसन्न हो जाए इसलिए जब श्री नबद्वीप धाम जाएंगे ना हम वो स्थान पर जाते हैं हम वो स्थान पर जाते हैं उसका नाम कोवाला और उसका नाम ऋतुद्वीप ऋतु ऋतु मतलब होता है जो प्रकृति मूल प्रकृति से राधा रानी उनके नाम पर ऋतुद्वीप है कोवाला मतलब ये लड़की है गौर इतनी सुंदर इतने माधुर्य इतने वैचित्र तक के कौन ये है इसलिए जिस कृष्ण भी जिनकी रूप देख करके कद बंसी करान निपति तस्खलितम शिखंड राधा रानी के रूप देख करके कृष्ण स्वयं मूर्छित हो जाते हैं मर मुकुट गिर जाता है उनकी बंसुरी भी गिर जाती है राधा रानी की रूप को देख करके इसलिए हम लोग श्री नवद्वीप में से ऋतुद्वीप में जाते हैं दर्शन करते हैं स्पर्श करते हैं इसलिए ये नवद्वीप धाम की महिमा मैं तो अभी जाने वाला हूँ इसलिए हमारे कौन कथा करते हैं कौन करता है इसलिए मनमोहन प्रभु जी कथा करते हैं आपको ना अभी होगा तो अभी चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य भागवत ठीक है ना चैतन्य भागवत पढ़ना उसको चैतन्य भागवत को पढ़ करके चैतन्य भागवत है ना तो हिंदी में हिंदी में नहीं चैतन्य भागवत बलराम पढ़ना और महाप्रभु लीला कथा कैसे जन्म हुए कैसे उन्हें सातों पर बैठे धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत सुने हैं ना वो सुन करके पढ़ना पड़ेगा पढ़ करके उसको जो महाप्रभु की छोटी छोटी जो कथा है कैसे सातों पर कृपा की उसमें नीचे टीका लिखा हुआ तो थोड़ी उसको धीरे धीरे बोलोगे धीरे धीरे तो आदत बढ़ना ठीक है कैसे बोलना आप लोगों को ये भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ पढ़ रहे थे
इसलिए वो बड़े अच्छे ग्रंथ है। जीवन में भक्ति करे कैसे और आगे भक्ति में धीरे धीरे कैसे बढ़े, सब रोज 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 आना, ऐसे नहीं केवल आज ही आ गए। देखो जब तक मंदिर में आते रहोगे ना, भक्ति तुम्हारी फूलते रहेगी, भक्ति तुम्हारी हल्के फूलते रहेंगे। अगर मंदिर में नहीं आओगे ना, भजन में छूट जाएगा, चलन में छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, ठीक है ना। मंदिर में आते रहना, कथा सुनते रहना और इन बच्चों को सब देखते रहना, ये सब आप लोगों का बच्चे हैं, सब सब आप लोगों का बच्चे हैं, ठीक है। बोले श्री सचिन गाओ गौर ब्रह्मानंद। चलो सब सब प्याकी कर दो, हम आ रहे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Thank you.
Vrinda Devi, Sridhar Maharaj, 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 Sridhar